जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक ऑलरेडी इसके 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप सिक्वेंस वाइज जाकर के चैनल को विजिट करके वहां पे देख सकते हैं। फिर चाहे आप इसको देखिएगा या अभी आपका मन कर रहा है तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं। आज हम पोस्ट फ्लावरेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिर आगे चल के सीड और फ्रूट्स का डेवलपमेंट। तो आज हम मेनली क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ा था। वीडियो छोटे छोटे बना रहा ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो, और कुछ वीडियो इसी बीच में अगर दो टॉपिक्स एक साथ कवर करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएंगे, इसलिए एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आसानी से आपको हर चीज में कंसेप्ट बनता जाए। तो देखिए, लास्ट वाले में हमने बात किए थे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। तो जायगोट एक जो सेल है, जो डिप्लॉयड सेल है, जो अभी अभी फर्टिलाइज होने के बाद बनी है, अब वो सेल किस तरीके से एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। देखिए, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे चालू होता है, तो देखिए एक प्रकार से समझिएगा, प्रारूपिक डायग्राम बनाते हैं, हमें यह बताएगा कि हाँ कुछ इस प्रकार का एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये एम्ब्रियो है और इस प्रकार से इसके बीच में एक बड़ी सी सेल मौजूद होती है, जिस सेल का नाम होता है एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में यहां पे क्या मौजूद है, जायगोट। क्या बन चुका है, जायगोट बन चुका है। यहाँ पे बन चुका है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, मतलब कि हम ये बोल जान चुके हैं कि इसके अंदर ढेर सारा एंडोस्पर्म भरा चुका होगा। पूरा एंडोस्पर्म से क्या हो चुका है, ये पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पुरानी चीजें याद आ रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से एंडोस्पर्म से पूरा फुल हो जाएगा। अब अगर एंडोस्पर्म से पूरा फुल हो चुका है तो उसके बाद अब चालू होगा जायगोट का डेवलपमेंट। किस रूप में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करेगा। तो एंडोस्पर्म जो यहाँ पे बीच में भरा हुआ है, ये एंडोस्पर्म किसकी वजह से बना है, जो बीच में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था, ट्रिप्लॉइड बोले जो 3n कंडीशन होती है, या जो उनकी जो नंबर ऑफ सेट होते हैं एक सेल के अंदर, वो 3 सेट थे, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे जायगोट जो बना, ये हमारा जो जायगोट है, ये कैसा है, 2n है, दैट मीन्स डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा था कि 7 सेल होती हैं, पर 7 सेल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 सेल बचती हैं, एक ही बड़ी वाली सेल और ये एक जायगोट सेल। बाकी इसके 8 साल की जो 2 सिनर्जिड्स थे वो दोनों डिजेनरेट कर गए, खत्म हो गई। इसके साथ में 2-3 ऊपर की तरफ जो एंटीपोडर्स थी, 3 एंटीपोडर्स थी, वो भी क्या हो चुकी है, डिजेनरेट हो चुकी है। तो अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी वाली सेल बची है और एक जायगोट बना है बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जायगोट क्या करेगा, डिवाइड करना चालू करता है। डिवाइड करने के बाद इसके अंदर कुछ इस प्रकार का, अगर वो मतलब डाइकोटिलेडंस है तो डाइकोटिलेडंस कुछ इस प्रकार का बना लेगा। कुछ इस प्रकार का एम्ब्रियो बनाएगा, किसके अंदर बनाएगा, ये जो जायगोट है ये इसके रूप में डेवलप करेगा, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, एम्ब्रियो सैक से बाहर नहीं जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर रहते हुए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के तैयार करेगा। अगर डाइकोटिलेडंस है तो, अगर मोनोकोटिलेडंस होगा तो वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के तैयार करेगा। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के तैयार करेगा, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा ऐसा होगा, और ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो इस प्रकार का मोनोकॉट में बनाएगा और इस प्रकार का डाइकॉट में बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस के, इसको हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। अब ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये जो तो मैंने लास्ट वाला स्टेज बना दिया, पर इसके शुरुआती दौर में क्या होता है, ये अपने आप को डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से फिर 4 बनती, फिर आगे चल के इस तरीके से एक सस्पेंसर बनता है, फिर एक ऊपर की तरफ जो सेल्स होती है वो अब जाकर के फिर प्रो एम्ब्रियो बनाएगी। पहले शुरुआती दौर में 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल बनती जाएंगी, फिर एक प्रो एम्ब्रियो बनाएगा।
एम्ब्रियो जो होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, फिर जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट होगा हार्ट शेप एम्ब्रियो में, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो अल्टीमेटली लास्ट में किसमें, एक मैच्योर एम्ब्रियो में, दैट इज इस तरीके के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। ये बेसिक इसलिए समझा है ताकि आपको समझ में आए कि सब जो एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो चल कहां रही है। तो चल कहां रही है, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रही है। अच्छा, ये सब डेवलप होने के लिए उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो भरा हुआ पूरा एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये जो जो एंडोस्पर्म है दो प्रकार का हो सकता है, या तो फिर ये फ्री न्यूक्लियर टाइप का होगा या फिर ये सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, आप बस इतना रखिएगा दिमाग में कि चाहे वो फ्री न्यूक्लियर हो या फिर वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो, दोनों का काम एक ही होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दैट मीन्स ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो जाइगोट वाली सेल है या फिर इस तरीके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी और हम यहाँ पे दो तीन चार पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जो समझाया वही पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम डाइकॉट के लिए, पहले स्पेसिफिक डाइकॉट डेवलपमेंट कैसा होता है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मोनोकॉट डेवलपमेंट कैसा होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं या एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट एट द माइक्रोपलेरिड, किधर की तरफ, देखिए ध्यान से सुनिए, कहां पे डेवलप कर रहा है, ये माइक्रोपलेरिड है, तो ये भी डेवलप कहां से, डेवलप तो पूरे में करता है बट शुरुआत कहां से करता है, तो बोले माइक्रोपलर एंड से चालू करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ एम्ब्रियो साइड द मेच्यूरेशन, सॉरी द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इज प्रोवाइडेड बाई एंडोस्पर्म, जो भी पॉइंट एंडोस्पर्म के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एक शब्द आता है माइटोटिकली, यहाँ पे आप कभी भी किसी भी प्लांट में ध्यान सुनिएगा, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है इन प्लांट्स में कभी भी मियोसिस नहीं होगा, जाइगोट बनेगा तो अब इन सभी में क्या होगा, माइटोसिस ही होगा, तो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम हिंदी में बोले तो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर ग्लोबुलर, जैसे ये प्रो एम्ब्रियो आप कन्वर्ट होगा ग्लोबुलर में, फिर ग्लोबुलर कन्वर्ट होगा हार्ट शेप एम्ब्रियो में, और लास्ट में फिर क्या होगा, फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेजेस मैंने पूरे पीछे बता दी, समझा दिया है ना, ये आपको जो दिख रहे हैं दोनों मैच्योर एम्ब्रियो हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में किस तरीके से एम्ब्रियोजेनी होती है, मतलब किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक जाइगोट हमने ले लिया। ठीक है, अब ये जाइगोट जो लिया है इसको ध्यान से सुनिएगा, ये है जाइगोट, पर इसकी मैं पोलैरिटी बताता हूं आपको कैसे लिखते हैं। ठीक है, जाइगोट है। ठीक है, अभी जाइगोट जो है ये वाला जो एंड है इसको माइक्रोपलर एंड बोलेंगे, कौन सा, माइक्रोपलर एंड। ठीक है, माइक्रोपलर एंड, और ऊपर वाला जो एंड है इसको हम बोलेंगे चलाजल एंड। ठीक है, ठीक, यही मान के चलिएगा आप पूरे में सिम ऐसे ही पढ़ेंगे, जितने भी डायग्राम बनाएंगे ऊपर की तरफ चलाजल एंड रहेगा और नीचे की तरफ कौन सा एंड रहेगा, माइक्रोपलर एंड रहेगा। अब हम आगे बात करेंगे, देखिए जो जाइगोट होता है, जाइगोट फर्स्ट टाइम पे इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ये इस तरीके की एक नीचे की तरफ बड़ी सेल बनाएगा और ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक छोटी सी सेल बनाएगा, है ना, इस तरीके से क्या होगा, इसका डिवीजन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनाएगा। जो ऊपर वाली सेल होती है और एक नीचे वाली सेल होती है, जो नीचे वाली सेल होती है इसको हम बेसल सेल बोलते हैं और उसको हम एपिकल सेल बोलते हैं। ऊपर वाली कौन सी सेल होती है, इसका नाम क्या हो गया, एपिकल, एपिकल सेल। ठीक है, और ये कौन सी सेल हो गई हमारी, वेसल सेल हो गई, वेसल लार्ज सेल। ठीक है, वेसल की तरफ लार्ज सेल हो गई। अभी अपने आपको फिर से डिवाइड करेगी, यहाँ पे जो डिवीजन हुआ वो कैसा डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ है ना, इसको मैं पीछे बता चुका हूँ, अब बार बार लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हर बार माइटोसिस होगा। अभी जो माइटोसिस हुआ, ठीक है, ऊपर वाली सेल अभी आपको चुपचाप से उतने में कांस्टेंट रोक लेगी, जो नीचे वाली सेल है जिसको बेसल सेल बोलते हैं, अभी इसमें बार बार डिवीजन होगा, बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ध्यान से सुनना, बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ऊपर वाली सेल अभी आपको इसी प्रकार से रोक के रखेगी, नॉर्मल सेल है, और नीचे वाली सेल डिवाइड करके और सिक्स से लेकर के टेन सेल बनाएगी। ठीक है, सिक्स से लेकर के टेन सेल बनाएगी, मैं एक ही बार में बना देता हूँ, अगर बहुत सारे स्टेक बनाऊंगा तो फिर मुझे जगह कम पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट इसको सिक्स टाइम्स में एक ही बार पहुंचा देता हूँ। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच, ठीक, एक और बना लेते हैं छह सात, है ना, इस प्रकार से सेल बना लेते हैं, और यहाँ पे अभी भी एक बड़ी सी नीचे की तरफ बड़ी बेसल सेल होगी। ठीक है,
अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नीचे वाली बड़ी सेल है, इस वाली बड़ी सेल का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। ये जो बड़ी सेल है इसको हॉस्टोरियम बोलते हैं, हॉस्टोरियम, ठीक है। और इस वाली सेल को बोलते हैं हाइपोफाइसिस, क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, ठीक। ये कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से सुनिए, यहां तक पहुंच जाते जाए, अब ये हो सकता है जरूरत पड़े तो जितना जैसे जैसे ऊपर की तरफ डेवलप करता जाएगा वैसे वैसे इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ये कहां पे जरूरत पड़ेगी, आप इसको पीछे की तरफ ध्यान से सुनिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा। देखिए जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ, यहाँ का अगर इतना डेवलप किया तो इतने का न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। अब और अगर न्यूट्रिशन इसको लेना है तो ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ जैक का कोई काम करता है, जो ऊपर तक उसको उठाने का काम करता है वो कौन काम करता है, यही जो सेल्स होती है, यही जो सेल्स होती है, कौन सी सेल्स, ये जो बीच की सेल्स होती है, इन सेल्स का नाम क्या होता है, पूरे सेल्स का नाम क्या होता है, इसको हम सस्पेंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सस्पेंसर, सॉरी सस्पेंसर, सस्पेंसर बोलते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाली सेल थी, जो बेसल सेल थी, इसको हम कई बार सस्पेंसर सेल के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम बोल, बेसल सेल को बोलेंगे, और फिर क्या बोलेंगे हम इसको, सस्पेंसर सेल बुलाते हैं, सस्पेंसर सेल के नाम से बुलाते हैं। तो सस्पेंसर सेल क्या करेगी, डिवाइड करती है इस तरीके, ढेर सारे सस्पेंसर छोटी छोटी सेल्स बनाती है जिसको हम सस्पेंसर बुलाते हैं। जो सस्पेंसर सेल्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली जो होती है उसको हम हाइपोफाइसिस बुलाते हैं, सबसे नीचे वाली जो होती है उसको हम हॉस्टोरियम बुलाते हैं, ठीक है। सस्पेंसर में शायद यहाँ पे ओ आएगा, तो ध्यान देते जो भी स्पेलिंग है आप देखिएगा। अब हम आगे टॉपिक में फिर से आगे बढ़ते हैं, तो अब ये किसमें मूव करेगा, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर वाली जो सेल थी जिसको हमने सबसे एपिकल सेल बोला था, तो एपिकल सेल क्या करेगी, अब डिवाइड करेगी, उसमें फर्स्ट टाइम क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा और सेल किस पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और नीचे तरफ इसी प्रकार से ढेर सारे सस्पेंसर्स लगे होंगे बड़ी सेल, ठीक। तो अभी पहली टाइम जो डिवीजन हुआ वो वर्टिकल डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो सेल बनती है। अब इसमें फिर से क्या होगा, एक बार फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। अब इस बार जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल तो हो चुका था, अब इस बार ट्रांसवर्स डिवीजन हो, और इस तरीके से कितनी सेल बन जाएगी, चार सेल बन जाएगी, नीचे सेम वही सस्पेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये फिर से एक बार फिर से डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, अब वर्टिकली डिवाइड करेगा। ध्यान से देखिएगा, जब डिवाइड करता है तो देखिए एक बार वर्टिकली ऐसे डिवाइड किया, ठीक है, फिर ट्रांसवर्स ऐसे डिवाइड किया, अब वर्टिकली कैसे डिवाइड करेगा, अब वर्टिकली ऐसे डिवाइड करेगा, अभी ऐसे डिवाइड किया था, अब वर्टिकली ऐसे डिवाइड करेगा, तो ऊपर से फिर से जब डिवाइड करेगा तो इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बनाता हूं। एक डिवीजन हो गया था, दूसरा डिवीजन ये हो गया था, ठीक है। अब ये इधर भी और इधर भी, तो डिवाइड करेगा फिर से, ये डिवीजन हुआ और ये डिवीजन हुआ, तो अब कितनी सेल बन गई, कितनी सेल बन गई, ध्यान से देखिएगा, एट सेल बन गई, कितनी सेल बन गई, एट सेल, और नीचे सेम इसी प्रकार से सस्पेंसर्स लगे होंगे जैसे ऊपर लगे थे, ठीक। अब मैं जगह क्योंकि कम पड़ेगी, मुझे ऊपर वाला डायग्राम बड़ा करना, तो सस्पेंसर बनाना बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस तरीके से कितनी सेल बनी, कितनी सेल बनी, एट सेल बन गई, ठीक है। अब एट सेल में ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली जो चार सेल होती हैं, ये ऊपर वाली सेल, ये लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर वाली चार सेल होती हैं, ये आगे चल के कॉटिलियन बनाएंगी, और साथ में जो प्रिम्यूल होता है उस प्रिम्यूल को बनाएंगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हाइपोफाइसिस होती है और ऊपर वाली क्या होती है, एपिब्लास्ट होता है, तो ये क्या बनाएंगी, एपिब्लास्ट और हाइपोफाइसिस बनाएंगी, नीचे वाली सेल्स जो होती है, नीचे वाली सेल्स ये हाइपोफाइसिस बनाएंगी, तो ऊपर वाली क्या बोलेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाली कॉटिलियन बनाएंगी और साथ में क्या बनाएगी, प्लिम्यूल्स बनाएंगी। नीचे वाली सेल्स क्या बनाती है, नीचे वाली सेल्स बनाती है हाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस के बाद नीचे की तरफ रूट कैप वगैरह जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सब किसके द्वारा बनते हैं, इन चार सेल्स के द्वारा बनता है। तो ये ऑक्टेट स्टेज का बन गया, कितने स्टेज का बन गया, ऑक्टेट स्टेज का एम्ब्रियो बन चुका है। ये कैसा, क्वाड्रेट स्टेज का एम्ब्रियो था, अभी ऑक्टेट स्टेज का, और ये डायड स्टेज का एम्ब्रियो था। तो इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, लिख देता हूं इसको ऑक्टेट स्टेज एम्ब्रियो। अब ये आगे फिर से डिवाइड करेगा, बेटा ध्यान से सुना। अब इसमें क्या होता है, जो अभी आठ सेल बनी है ना, तो इसमें क्या होगा, पेरिकिनुलर डिवीजन होगा। पेरिकिनुलर डिवीजन कैसे डिवीजन होता है, वो आठ साइड की जो भी सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे, अब डिवाइड करना चालू करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो आइट साइड की सेल्स क्या हो गई, अरेंज हो गई, आइट साइड सेल्स कैसी हो गई, अरेंज हो गई।
ठीक है। इसको हम बोलते हैं लास्ट में जो आउटर साइड की सेल्स होती है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। ट्रोपोब्लास्ट बन जाएगा, फिर बीच में कैम्बियन सेल्स बनेगी और सबसे अंदर की तरफ बनेगी ग्रांड टिश्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है, यहाँ पे तीन तरीके का नाम दिया है, ये शायद इसमें दिया है और अगली तरफ ये दिया है। सबसे पहले प्रोटोडर्म, सबसे आउटर की तरफ क्या बनेगा, प्रोटोडर्म में बन जाएगा, फिर प्रो कैम्बियम बन जाएगा और सबसे अंदर की तरफ क्या बनेगा, ग्राउंड मेरिस्टेम बनेगा। तब इसी चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे ऊपर की तरफ क्या होगा, प्रोटोडर्म, ये क्या हो गया, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ प्रोटोडर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो कैम्बियम। और फिर अंदर की जो सेल्स होती है, सबसे अंदर वाला जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ओके, और इसके नीचे की तरफ से ये मोही सस्पेंसर सेल्स अभी भी अटैच होंगी। ठीक है, ऐसे। ओके, समझ में आ रही बात। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्या कहलाता है, प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। क्या है ये स्ट्रक्चर, क्या है बेटा, प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो है। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो है, ये प्रो एम्ब्रियो कन्वर्ट करेगा अपने आप को एम्ब्रियो में। तो जब एम्ब्रियो बनाएगा तो कैसा होगा, वो कुछ इस प्रकार का एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। कैसा एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, इसमें ढेर सारी सेल्स भरी होंगी, पूरा है ना, ये पूरा सेल्स से भरा होगा, है ना। उनका डिवीजन हम पहले देख लिए, सेल का, सेल कैसे भरी है, सेल ऐसे है, उनका पोजिशन देख लिया। अब यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए, ढेर सारी सेल्स होती है, थोड़ा साइज और बड़ा हो जाता है, तो अब हम इसको क्या बुलाना चालू कर देंगे, प्रो एम्ब्रियो बुलाना चालू कर देंगे। और नीचे की तरफ से वही हिस्टोइडियम वगैरह सब कुछ रहेगा। ये प्रो एम्ब्रियो अब अपने आप को कन्वर्ट करेगा हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। क्या, कैसे कन्वर्ट करेगा, हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। ठीक है, हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो मतलब अभी भी यहाँ की सेल्स इस तरीके से, जो पेरिकिनियल वाली सेल्स थी आउटर साइड में, पूरा एक लेयर बना के रखेंगी। ठीक है, जिसको हमने प्रोटोडर्म में लिखा था। उसके बाद फिर से सेल्स होंगी, सब अंदर की तरफ क्या होंगी, सेल्स भरी होंगी, पूरा फुल होगा कोशिकाओं से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम हर्ट शेप्ड बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर क्या था, ये ग्लोबुलर था। कैसा था, ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो है ये कैसा है, हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो है। अब हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो में देखिए, ध्यान से सुनना, ये हर्ट शेप्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये इधर की तरफ एक ऊंचा बन गया और इधर की तरफ भी एक ऊंचा हो गया, इसलिए क्योंकि अब आगे चल के इस तरीके से क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये आगे चल के दो कॉटिलियंस बनाएगा। अब इसको कैसे कॉटिलियंस बनाएगा यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम में जब यही एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो एक तरफ ये कॉटिलियन बढ़ता हुआ जाएगा और एक तरफ से ये कॉटिलियन बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि इसके अंदर जो बचा हुआ एंडोस्पर्म, जो ढेर सारा एंडोस्पर्म भरा, उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम किया जा सके। तो इसलिए अभी इस तरीके से ये कॉटिलियन डेवलप करेगा, ये भी कॉटिलियन ऐसे डेवलप करेगा। समझ में आ गई मेरी बातें। तो अब यही चीज कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो अब ये आगे अपने आपको डेवलप करेगा और क्या करेगा, कुछ इस प्रकार का शेप बना के तैयार करेगा। अगर क्योंकि हमने डाइकॉट पढ़ रहे हैं तो कैसा होगा, ये डाइकॉट वाला इस तरीके का स्ट्रक्चर बना गया। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। अब ये स्ट्रक्चर बना है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें सबसे नीचे की तरफ क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें ऊपर नीचे की तरफ क्या होता है, रूट कैप होती है। क्या लग जाएगी इसमें, रूट कैप है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पार्ट जो होता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। जहां से लेवल ऑफ अटैचमेंट है, जहां से कॉटिलियंस अटैच है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम एपिकोटिल के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकोटिल के नाम से बोलते हैं, एपिकोटाइल या एपिकोटिल के नाम से बोलते हैं। और एपिकोटिल की जो टिप होती है उसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसको हम पिपिल बोलते हैं। और इस प्रकार से जो नीचे की तरफ जो हाइपोकॉटिल होता है, हाइपोकॉटिल की जो टिप होती है उसको हम रेडिकल के नाम से बुलाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो आप, आशा करता हूँ आपको हर चीज है, मैंने जितना डिटेल में समझा सकता था बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास और मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में।
यहाँ पे जो चीजें मैंने अभी समझाई सिर्फ वही चीजें हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। मैं अगर चाहूं तो मैं बहुत जल्दी पढ़ देता हूँ। जायगोट अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन, फर्स्ट क्या होता है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक लार्ज बेसल सेल बनती है और क्या होती है एक स्मॉल एपिकल सेल बनती है, जिसको हम टर्मिनल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो था, नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज बेसल सेल इनलार्ज होती है और अपने आप को अंडरगो करती है ट्रांसवर्स डिवीजन में, और इस तरीके से ढेर सारे कितने 6 से 10 सेल बनाती है। हालांकि इस पॉइंट को मैंने अलग कई सारी बुक में भी पढ़ा है, जिसमें 6 से 19 सेल तक लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी बुक में मैंने पढ़ा है वहां पे 6 से 19 सेल तक लिखा हुआ, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना है 6 से 10 सेल्स बनाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं सस्पेंसर बोलते हैं। ये जो सस्पेंसर सेल है इनमें भी फर्स्ट सेल जो होती है, फर्स्ट सेल ऊपर की तरफ की, कौन सी बेटा ऊपर की तरफ जो की जो फर्स्ट सेल होती है उसकी बात कर रहा हूँ, सबसे नीचे की तरफ की जो सेल उसकी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ध्यान से सुनना, ये माइक्रोपाइलर एंड फर्स्ट सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की हाइस्टोडियम कहलाती है, और लास्ट वाली सेल माइक्रोपाइलर एंड से लास्ट वाली सेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोफाइसिस के नाम से बुलाते हैं। ध्यान से सुनना, ये लिखा है सस्पेंसर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इस कॉल्ड हॉस्टोरियम, उसको हम क्या बोलते हैं हॉस्टोरियम बोलते हैं, या फिर इसका एक नाम और नाम होता है, नीट में पूछ रहा था वेसिकुलर सेल, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको दोनों नाम अच्छे से याद करिएगा। वेयर द लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड्स द चैलाजल एंड इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा हाइपोफाइसिस बोलते हैं। दैट लेटर से डेवलप्स इनटू रेडिकल, आगे चल के किस रूप में डेवलप करेगी, ये रेडिकल के रूप में डेवलप करेगी, ध्यान से सुनिएगा इधर पीछे की तरफ, ठीक है। देखिए सबसे ये नीचे वाली सेल है, आगे चल के ये यहाँ पे है और यहाँ पे दिख रही, ये यहाँ पे दिख रही, और सबसे लास्ट में यही वाली जो सेल होती है ये आगे चल के अपने आपको डेवलप करती है, किसमें रेडिकल के रूप में डेवलप कर लेती है, ठीक है। कौन सी जो सेल का नाम था हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, द स्मॉलर टर्मिनल ऑब्लिक एपिकल सेल, जो टर्मिनल सेल थी स्मॉलर सेल थी, या फिर उसको हम एपिकल सेल लिखा था, यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ ये एपिकल सेल है, इसको हम टर्मिनल सेल या एपिकल सेल के नाम से बुलाते हैं। ये क्या होते हैं अंडरगो वर्टिकल डिवीजन, फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन होता है, वन वर्टिकल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से डायड स्ट्रक्चर बनता है, टू सेल्स बन के तैयार होती है फ्रॉम द टर्मिनल सेल्स डिवाइड बाई अ ट्रांसवर्स डिवीजन। अब इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है टेट्राड स्ट्रक्चर बन जाता है, फॉर्मिंग द फोर एम्ब्रियोनल सेल्स कॉल्ड टेट्राड बोलते मैंने, क्वाड्रेट स्ट्रक्चर स्टेज या क्वाड्रेट स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देती है। अब जैसे इसमें फिर से एक बार वर्टिकल डिवीजन होगा तब जाकर के क्या बनेगा एट सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनेगा, एट सेल प्रो एम्ब्रियो बनेगा, जिसको हम ऑक्टेट स्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऑक्टेट स्टेज बोलेंगे। फोर सेल्स एट द अपेक्स गिव राइज प्लीम्यूल एंड टू कॉटिलियंस, ऊपर की तरफ ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की तरफ जो सेल होती है चार सेल होती हैं, ये क्या बनाएंगे प्लीमूल बनाएंगे और कॉटिलियंस बनाएंगे, वहीं पर जो नीचे तरफ जो होती है वो हाइपोकोटाइल बनाएंगे और रेडिकल बनाएंगे, ठीक है। वेयर एज द बेसल सेल्स गिव राइज द हाइपोकोटाइल, क्या बनाएंगे हाइपोकोटाइल एंड पार्ट्स ऑफ रूट, रूट का एक्सेप्ट टिप, टिप को छोड़कर, क्योंकि एक्सेप्ट जो टिप होती है टिप किसके द्वारा बनती है जो हमने पढ़ा था हाइपोफाइसिस वाली सेल उसके द्वारा बनती है, तो ये हाइपोफाइसिस बना देगी रूट की टिप, बाकी और जो पार्ट होता है वो सब किसके द्वारा बनता है जो नीचे की तरफ जो क्वाड्रेट स्टेज की ऑक्टेट स्टेज, तो ऑक्टेट स्टेज की जो नीचे वाली चार सेल थी वो चार सेल कौन बनाएंगे हाइपोकोटाइल बनाएंगे, और पार्ट रूट का जो अदर पार्ट होता है वो सब बना के तरह, बस टिप नहीं बनाएंगे, टिप कौन बनाएगा जो हाइपोफाइसिस वाली सेल थी वो बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है तो ऑक्टेंट एम्ब्रियो अंडरगो पेरिकिनल डिवीजन, मैंने बताया पेरिकिनल डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस प्रोटोडर्म, क्या बनाएंगे प्रोटोडर्म बनाएंगे, प्रोकेम्बियम बनाएंगे, प्रोकेम्बियम बनाएंगे और ग्रैंड मेरिस्टियम बनाएंगे, ठीक है। इट इज इनिशियली ग्लोबुलर बट विद द ग्रोथ ऑफ कॉटिलियंस इट बिकम्स हार्ड शेप्ड एंड एज अज्यूम द टिपिकल शेप, और लास्ट में अंततः क्या हो जाता है एक टिपिकल शेप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर जो हमने अभी बनाया, उसके बारे में पूरा पढ़ा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखिए कैसा होता है स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से कुछ एक डाइकोटिलेडन का एम्ब्रियो होगा, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होता है ऐसा होता है, और ये जो ऊपर की तरफ बना हुआ है ये पार्ट जो है, ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा हम और सीधा कर लेते हैं, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा रूट कैप कहलाएगा, क्या कहलाएगा रूट कैप, ठीक। ये जो पार्ट होगा इसको हम रेडिकल बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे रेडिकल,
रेडिकल की टिप होती है, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस बुलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जहां से ये अटैच है ना, कौन से दो कॉटिलियन अटैच है, तो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलियंस, लेवल ऑफ अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ कॉटिलियन, कॉटिलियन, ठीक है, कॉटिलियन के अटैचमेंट को बोलते हैं, ठीक है। अब कॉटिलियंस की जो अटैचमेंट है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अलग नाम से बुलाएंगे, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इस पूरे एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बुलाएंगे? हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कई जगह टी वाई एल लिखा रहता है या फिर टी आई एल ई लिखा रहता है, और इसको बुलाते हैं हम इपिकोटाइल, इपिकोटाइल ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है, इपिकोटाइल। तो इपिकोटिल का जो ऊपर टिप होता है, जो टिप, ये जो टिप पार्ट है, ठीक है, टिप वाला, जिसको बोलते हैं टिप ऑफ इपिकोटिल, इपिकोटिल, ये क्या कहलाएगा? प्लीम्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लीम्यूल। समझ में आ गई बात? वहीं पे जो टिप ऑफ हाइपोकोटिल होगा वो क्या कहलाएगा? रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडिकल टिप या रेडिकल कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ओके। और ये दोनों क्या होते हैं? कॉटिलियंस होते हैं। क्या होते हैं? दोनों कॉटिलियंस होते हैं, कॉटिलियंस है, ठीक है, कॉटिलियंस है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत पॉइंट है कि आपको लेवल ऑफ अटैचमेंट आपको पता होना चाहिए। कॉटिलियंस के लेवल ऑफ जो अटैचमेंट है उसी के आधार पर उसके नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है, उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है इपिकोटाइल कहलाता है। इपिकोटाइल जो होता है या जो कॉटिल होता है उसका सबसे टिप वाला पार्ट क्या कहलाता है? प्रीमूल कहलाता है। वहीं पे जो हाइपोकॉटिल होता है उसको, हाइपोकॉटिल का जो टिप वाला पार्ट होता है उसको हम रेडिकल के नाम से बुलाते हैं या रेडिकल टिप बोलते हैं, ठीक है। जो इपिकॉटिल है और हाइपोकॉटिल है ये दोनों ही किसके पार्ट है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट होते हैं। तो आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को एक बार हम फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है द टिपिकल डाइकोटिलियंस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। किससे बना होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस साथ में दो कॉटिलियंस से बना होता है, दो कॉटिलियंस के बना होता है, ठीक है। तो इसको यहां से समझिएगा, देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसके साथ में दो जुड़े हुए कॉटिलियंस, तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और आगे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का हम बात करते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो सबसे पहले एपिकोटिल होता है और लास्ट में क्या होता है? हाइपोकोटिल होता है। इपिकोटिल की जब हम बात करते हैं तो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलियंस, जहां से कॉटिलियंस अटैच है उसके लेवल से ऊपर की तरफ का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इपिकोटिल बोलते हैं। और इपिकोटिल का सबसे टिप वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रीमूल बुलाते हैं, या फिर इसको बेबी सूट या फिर स्टिम टिप के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है हाइपोकोटिल। हाइपोकोटिल क्या होता है? बोले सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलियंस अटैचमेंट, ठीक है, विच डेवलप्स इंटू रेडिकल। आगे चल के क्या करता है? रेडिकल के रूप में डेवलप करता है, या फिर जो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हाइपोकॉटिल है उसका सबसे लास्ट वाला जो टिप वाला पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट होता है, वो रेडिकल या फिर रूट टिप के नाम से कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रूट टिप इज ऑफन कवर्ड बाई रूट कैप। किसके द्वारा कवर्ड होती है? रूट कैप के द्वारा कवर होती है, ठीक है, जिसको हम कैलिप्ट्रा के नाम से बोलाते हैं। रूट कैप को हम क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंगो है, मैंगो में होता है डबल, मतलब टू कॉटिलियंस सीड होते हैं। एप्पल में भी टू कॉटिलियंस सीड होते हैं, रेडिस हो गया, रोज हो गया, इस तरीके के ढेर एग्जाम्पल हैं जिसमें डाइकॉटिलियंस सीड पाए जाते हैं, ठीक है, या जो डाइकॉटिलियंस एम्ब्रियो होता है वो मौजूद होता है। तो ये था स्ट्रक्चर, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोनोकॉट के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, देखिए हमने पहले पढ़ा एम्ब्रियोजेनी के बारे में, हमने एम्ब्रियोजेनी किसमें पढ़ा? हम डाइकॉट वाले में पढ़ा। अब हम बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको याद आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था। कौन सा डायग्राम बनाया था? ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम के लिए अब हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने पढ़ा था, डाइकॉट के बारे में हमने पढ़ लिया, डाइकॉट में किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसमें, जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में किस तरीके से होता है, पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनी किस प्रकार से होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, चाहे मोनोकॉट या डाइकॉट हो, इनिशियल स्टेज जो होती है दोनों में सेम होती है। क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इनिशियल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इज सेम इन बोथ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स दोनों में सेम होती है, चाहे डाइकॉट हो या फिर मोनोकॉट प्लांट्स हो, दोनों में ही क्या होती है, इनिशियल स्टेजेस सेम होती हैं। बस थोड़ा सा फर्क कब आता है, जब ग्लोबुलर स्टेज में जाता है, तो ग्लोबुलर स्टेज के बाद फिर इसमें अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट दिखा है, जायगोट ऑब्लिक जिसको हम ओ स्फीयर बोलते हैं, डिवाइड ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस सस्पेंशन सेल्स, क्या होता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, जैसे वहां पे डिवाइड किया था, ठीक है, टू प्रोड्यूस टुवर्ड्स द माइक्रोपायलर एंड एंड एम्ब्रियोनस टुवर्ड द चलाजर एंड। तो इसमें क्या होती है, जो एम्ब्रियो सेल होती है, एम्ब्रियो सेल ध्यान से वही चीज है, एम्ब्रियो सेल जब डिवाइड करेगी, जैसे सेल डिवाइड करेगी, तो ऊपर वाली सेल जो एम्ब्रियो सेल जिसको हम एपिकल सेल बोलते हैं, ये चलाजर एंड की तरफ होगी, और जो बेसल सेल है जिसको हम सस्पेंसर सेल बुलाते हैं, वो कहां पे होगी, माइक्रोपायलर एंड की तरफ होगी। सेम वही बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, द एम्ब्रियो सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली, एम्ब्रियो सेल जो होती है अगेन फिर से क्या करती है, डिवाइड ट्रांसवर्सली, ठीक है, अगेन इंटू टॉप एंड मिडिल सेल। ध्यान से सुनना, वहां पे क्या होता था, जब हमने पढ़ा था डाइकॉट के बारे में, तो डाइकॉट में क्या था, जो सेल थी एपिकल वाली, सबसे ऊपर वाली सेल थी, वो सबसे पहले वर्टिकल डिवीजन करती थी। कैसे डिवीजन करती थी, वर्टिकल डिवाइड करके इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाती थी। जबकि मोनोकॉट में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है कि जो ऊपर वाली जो एपिकल सेल है, ये सेल पहली ट्रांसवर्स डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी, ट्रांसवर्सल डिवाइड करेगी, नीचे वाली सेल आगे चल के वो सस्पेंसर बना चुकी होगी, ठीक है, नीचे वाली सेल क्या कर चुकी होगी, ऐसे ऐसे सस्पेंसर बना चुकी होगी ढेर, है ना, ये स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाली जो एपिकल सेल है ये क्या करती है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, डिफरेंस ये है, इसमें इनिशियल स्टेज सब सेम है, देखिए इसमें सस्पेंसर बना, इसमें भी सस्पेंसर बना, इसमें पहले ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, इसमें भी हुआ, उस वाले में भी हुआ था। अब होता क्या, यहाँ पे एक चेंज आता कि इसमें फर्स्ट जो डिवीजन होता वो ट्रांसवर्स होता। तो डाइकॉट में क्या होता था, फर्स्ट जो डिवीजन होता था वो कैसा होता, वर्टिकल डिवीजन होता था, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता, बस इतना डिफरेंस है। तो इस प्रकार से क्या होती है, एक मिडिल सेल बन जाती है और एक टॉप सेल बन जाती है, और नीचे की जो सस्पेंसर सेल है वो हाई है, ठीक है। द टर्मिनल सेल्स डिवाइड वर्टिकली, अब जो टर्मिनल सेल्स होगी अब क्या करेगी बेटा, वर्टिकल डिवाइड करेगी, और इस तरीके से आप चार सेल बनाएगी, ठीक है, एंड ट्रांसफरली इनटू ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इस तरीके से वर्टिकली ट्रांसवर्सली वर्टिकली ट्रांसवर्सली डिवाइड कर करके क्या बनाएगी, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना के तैयार कर देगी। अब उसके बाद का जो डेवलप होता, तो वहां पे हर्ट शेप एम्ब्रियो बनता था, ग्लोबुलर के बाद क्या बनता था, हर्ट शेप बनता था डाइकॉट में। अब यहाँ पे हर्ट शेप नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरफ का जो कॉटिलेडन होगा वो ज्यादा डेवलप करेगा, दूसरी तरफ का जो कॉटिलेडन होगा वो कम डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बीच में डिफरेंस था, यहाँ पे मोनोकॉट की जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती वो अलग होती, बस इतना फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि उसमें जो एपिकल सेल थी, जो टर्मिनल सेल थी, उसमें कैसा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें वर्टिकल डिवीजन होता फर्स्ट डिवीजन, जबकि इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ टिपिकल मोनोकॉट्स एम्ब्रियो, जो टिपिकल एक प्रकार से जो प्रारूपी मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो होता है, उसका किस प्रकार से एम्ब्रियो होता है, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, डायग्राम कहाँ बनाया जाए, डायग्राम के लिए तो पेज हमने छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, हम बस थोड़ा सा डायग्राम एक बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है, है ना, और यहाँ पे रूट कैप होती है, ये ऐसे रूट बनाती है, यहाँ पे क्या होती है, ऐसे प्लीम्यूल होता है ना, प्लीम्यूल होता है, और प्लीम्यूल की भी क्या होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर की कवरिंग होती है, बस इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये वाला जो सबसे ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको कुछ ग्रासेस में, ध्यान से सुनो, कुछ ग्रासेस में इसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्यूटलम के नाम से बुलाते हैं, स्क्यूटलम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। हालांकि है क्या ये स्क्यूटलम, ये एक कॉटिलेडन है,
तो सभी प्लांट्स के जितने भी मोनोकॉट होते हैं सभी में इसको स्क्रोटलम नहीं बुलाते हैं, केवल कुछ ग्रासेस हैं उन ग्रासेस में ही क्या बुलाते हैं, हम इसको स्क्रोटलम बुलाते हैं सम ग्रासेस में, ठीक है। बाकी सभी में क्या बुलाएंगे, हम इसको एक मोनोकॉट के नाम से बुलाएंगे या एक कॉटिलेडन के बारे में बुलाएंगे, ठीक है। जबकि ये जो दूसरा वाला होता है जो अपविकसित रह जाता है, जो अच्छे तरीके से विकसित नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एपिब्लास्ट बुलाते हैं। ये क्या है, एपिब्लास्ट है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेम, ये सब कुछ एक जैसा होगा। जहां से इनका लेवल ऑफ अटैचमेंट है उसके लेवल ऑफ अटैचमेंट के ऊपर की तरफ क्या होगा, सॉरी एपिकॉटिल होगा, और नीचे की तरफ उसके अटैचमेंट से नीचे की तरफ क्या होगा, हाइपोकॉटिल होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, ऊपर की तरफ एपिकॉटिल, नीचे की तरफ हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल का जो एंड होता है आगे चलकर क्या बनाएगा, रूट बनाता है, क्या बनाता है, रूट बनाता है, और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, रूट कैप होती है, क्या होती है, रूट कैप होती है, ठीक है, कैप होती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, क्या है, एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस नीचे की तरफ किसमें डिवाइड होगी, हाइपोकॉटिल में, ऊपर की तरफ क्या होगी, किसमें डिवाइड होगी, एपिकॉटिल में। तो आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको, इसके एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कॉटिलेडन, मोनोकॉटिलेडनस, सॉरी देखो एक टिपिकल प्लांट की बात करें तो एक टिपिकल प्लांट है, तो अटिपिकल मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ वन कॉटिलेडन, किससे होता है, वन कॉटिलेडन, इसलिए इनको नाम दिया जाता है मोनोकॉट और डाइकॉट, इसी आधार पे नाम दिया जाता है, क्योंकि एक कॉटिलेडनस होता है और दो कॉटिलेडनस, सब समझ में आने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल कॉटिलेडनस नोन एज स्क्यूटलम इन सम ग्रासेस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसमें, सम ग्रासेस में, ठीक है, इज सिचुएटेड ऑन द वन साइड, लेटरल साइड में, साइड में प्रेजेंट होता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल एंड रूट कैप्स आर सिचुएटेड एट द लोअर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, के लोअर साइड में मौजूद होते हैं, ठीक है, एंड अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड पोलियोराइचा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो अनडिफरेंशिएटेड सीथ एक लगी हुई है, इस सीथ को हम क्या बुलाते हैं, जो सीथ लगी हुई है इस सीथ को हम बुलाते हैं पोलियोराइजा, क्या बुलाते हैं, पोलियोराइजा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। साथ यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, पोलियोराइजा की स्पेलिंग ये होती है, डबल आर आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एच आई जेड ए बनाएगा, ठीक है, पोलियोराइजा, तो कोलियोराइजा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सूट अपेक्स, ऊपर की तरफ की जब हम बात करेंगे, सूट अपेक्स की बात करेंगे तो सूट अपेक्स, ठीक है, एंड फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया, प्रिमोर्डिया क्या होता है, लीफ, लीफ का मतलब होता है लीफ जैसे स्ट्रक्चर, एक होलो स्ट्रक्चर होता है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम प्रिमोर्डिया के नाम से बुलाते हैं, आर इंक्लोज्ड बाय इंक्लोज्ड इन अ होलो, क्या लिखा है, फॉलियर स्ट्रक्चर, फॉलियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है हॉलो, फॉलियर स्ट्रक्चर बोलते खोखला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस खोखले स्ट्रक्चर के अंदर पैक होते हैं, ठीक है, इन एपिकॉटिल रीजन कॉल्ड पॉलियोप्टाइल। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है जिसके अंदर ये पैक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉलियोप्टाइल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, पॉलियोप्टाइल के नाम से बुलाएंगे, ओके। ये पॉलियोप्टाइल कैसा होता है, हॉलो होता है, फॉलिकुलर फॉलियर, होलो फॉलियर स्ट्रक्चर होता है, बोले तो फॉलियर मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो होलो होगा, खोखला होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, किसका नाम, कौन होता है, पोलियोप्टाइल। उसके अंदर क्या मौजूद होता है, प्लीम्यूल मौजूद होता है, प्लीम्यूल क्या होता है, एक प्रकार से लीफ को आगे चल के लीफ प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर होता है, जो आगे चल के तना या फिर लीफ प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लीफ प्रिमोर्डिया के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम इज कॉल्ड एपिकॉटिल, सब बता चुका हूं। नेक्स्ट है द रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलेडन्स ऑकर्स ऑन द सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस में क्या पाया जाता है, ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है ये भी पाया जाता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, एपिब्लास्ट बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड एपिब्लास्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, एपिब्लास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कहाँ कहाँ पे जो मोनोकॉटिलेडन सीड पाए जाते हैं, जैसे कुछ ग्रासेस हो गए, बनाना हो गया, ठीक है, बेम्बू हो गया और पाम हो गया, इस तरीके से मोनोकॉटिलेडन्स बहुत सारे होते हैं, इसमें सीरियस भी बहुत सारे जितने होते हैं, जैसे गेहूं हो गया है ना, क्या बोलते हैं, राइस हो गया है ना, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब कैसे होते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं। तो ये इसके ढेर सारे स्ट्रक्चर थे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने ढेर सारे पॉइंट कम्प्लीट किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए इन क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन है तो टाइम लग जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो को आप इंतजार करिएगा, बहुत जल्दी आपके पास आएगा, ठीक है, कल या परसों में वीडियो आ जाएगा। तो आशा करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके, थैंक यू।